गुड इवनिंग टू यू ऑल. जितने भी सीएस के स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, टुडे आई एम हियर विद द बिगेस्ट अनाउंसमेंट फॉर सीएस प्रोफेशनल. सीएस प्रोफेशनल के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं. कल मैंने वादा किया था कि आज रात 8 बजे मैं बिगेस्ट अनाउंसमेंट करूंगा सीएस प्रोफेशनल को लेके, है ना. तो चलिए, सबसे पहले आप सब जानते हैं सीएस एनकेजे क्लासेस के अंदर सीएसडब्ल्यूटी, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, इट्स ओनली फॉर सीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट, है ना. तो ये कोचिंग सिर्फ सीएस के बच्चों के लिए है. यहाँ सीए, सीएमए, बीकॉम ये सब कुछ भी होता नहीं है, यहाँ सिर्फ सीएस होता है. तो अब हम सीएस प्रोफेशनल के लिए भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं. आप सबको मालूम होगा कि कोरोना की वजह से जो फेस टू फेस क्लासेस चलती थी वो बीच में 2 साल के लिए रुक गई. 2020 एंड 2021 में जो फेस टू फेस क्लासेस थी वो रोक दी गई. सीएसडब्ल्यूटी का तो हमने फेस टू फेस फिर भी कुछ दिन पे जारी रखा फेस टू फेस. एग्जीक्यूटिव हमारा फेस टू फेस बीच बीच में चलता रहा, लॉकडाउन होने पर रुकता गया, फिर लॉकडाउन खुलने पर चलता गया. पर सीएस प्रोफेशनल पिछले 2 साल से सिर्फ ऑनलाइन था. तो नाउ आई एम गोइंग टू अनाउंस दैट कि अब हमारे यहाँ सीएस प्रोफेशनल के जो बैचेज हैं वो भी अब फेस टू फेस होने वाले हैं. तो अभी 25 अगस्त को रिजल्ट आएगा एंड वी आर वेरी वेरी श्योर अबाउट द सक्सेस ऑफ आवर स्टूडेंट्स कि हमारे स्टूडेंट इस रिजल्ट में बहुत अच्छा करेंगे. उन्होंने बहुत मेहनत की है, मेहनत करके ओमिक्रॉन को भी जनवरी फरवरी में उन्होंने ओमिक्रॉन को भी झेला है, फिर भी मार्च अप्रैल में 3 महीने ही मिले थे उनको जून अटेम्प्ट के लिए. उन्होंने बहुत मेहनत की उसके लिए और उन्होंने बहुत ईमानदारी से एग्जाम दिया है. तो हम प्रे करेंगे कि उनका एग्जाम बहुत अच्छा हो, वो जरूर पास करें. जब वो पास करके सीएस प्रोफेशनल में आएंगे तो सीएस प्रोफेशनल के लिए एक बहुत ही हैप्पी न्यूज़ है मेरे पास कि अब सीएस एनकेजे क्लासेस की टीम इंक्लूडिंग मी आल्सो अब हम फेस टू फेस आने वाले हैं फॉर सीएस प्रोफेशनल. अब सीएस प्रोफेशनल में भी जैसे सीएसडब्ल्यूटी की सारी क्लासेस चलती हैं फेस टू फेस, एग्जीक्यूटिव की सारी क्लासेस चलती हैं फेस टू फेस, उसी तरीके से सीएस प्रोफेशनल की भी क्लासेस अब फेस टू फेस रन होने वाली है. तो यही आज रात 8 बजे का जो अनाउंसमेंट था वो यही है कि नाउ वी आर कमिंग फेस टू फेस फॉर सीएस प्रोफेशनल ऑल्सो. मतलब सीएस प्रोफेशनल में भी अब हम फेस टू फेस हैं. तो अनाउंसमेंट इज दैट कि इन सीएस प्रोफेशनल वी आर फेस टू फेस. लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो ट्रेनिंग करने का सोच रहे हों या ट्रेनिंग पहले से कर रहे हों, तो उनके लिए भी एक फैसिलिटी अब हम लॉन्च करेंगे कि फेस टू फेस के साथ डायरेक्ट टू होम क्लास चलेगी उनकी. D2H डायरेक्ट टू होम लाइव एट होम, है ना. डायरेक्ट टू होम लाइव एट होम. देखो सीधी सी बात है, जब हम फेस टू फेस क्लास लेंगे, है ना, जब हम अपने क्लास के अंदर फेस टू फेस क्लास लेंगे, फेस टू फेस में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए होंगे, तो उसी क्लास को हम लाइव कर देंगे. आप घर में बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के भी देख सकते हैं. तो जो बच्चे फेस टू फेस आना चाहेंगे, मुझे मालूम है फेस टू फेस का भी बहुत डिमांड है ना, क्योंकि 2 साल घर में बैठने के बाद बच्चों को अब फेस टू फेस क्लासेस का एक अपॉर्चुनिटी मिला और बच्चे इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहेंगे. वो ऑनलाइन क्लासेस लेके अपनी एफिशिएंसी को खराब नहीं करेंगे. बहुत 2 साल में तो बहुत खराब हुआ है, ऑनलाइन में कहाँ ही आउटपुट निकल पाता है. ऑनलाइन क्लासेस ने सच पूछो तो जो बच्चों का परफॉर्मेंस जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल का नहीं हो पाया. तो फेस टू फेस क्लासेस सीएसडब्ल्यूटी में चल रही है, एग्जीक्यूटिव में चल रही है, फुल पैक्ड क्लासेस चल रही हैं अब फेस टू फेस. तो सीएस प्रोफेशनल के बच्चों को भी अब हम ये फैसिलिटी देने वाले हैं. प्रोफेशनल की सारी क्लासेस अब फेस टू फेस होने वाली हैं और जो बच्चे अभी भी ट्रेनिंग के वजह से, नौकरी के वजह से या और किसी वजह से अगर फेस टू फेस नहीं ले पाएंगे तो उसी फेस टू फेस क्लास को हम लाइव एट होम कर देंगे, डायरेक्ट टू होम कर देंगे. और सबसे अच्छी बात यह है कि जो फेस टू फेस है उसमें हमारी पूरी की पूरी टीम होगी. अब देखिए, जैसे मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर सीएस प्रोफेशनल मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर आपका एक गवर्नेंस सब्जेक्ट है, दूसरा ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट है, तीसरा एडवांस टैक्स लॉ सब्जेक्ट है, एडवांस टैक्स लॉ. तो ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट अब मॉड्यूल फर्स्ट में क्या हो जाएंगे, फेस टू फेस. इसमें ड्राफ्टिंग मैं पढ़ाऊंगा, है ना, तो ड्राफ्टिंग मैं पढ़ाऊंगा सीएस नितेश कुमार जायसवाल. तो ड्राफ्टिंग मैं पढ़ाऊंगा. सीएस प्रोफेशनल मॉड्यूल सेकेंड के अंदर जो आपके सब्जेक्ट हैं, एक सीआर है, दूसरा आरसीडीएनसीआर है,
और तीसरा आपका एग्जैक्टली सेक्रेटेरियल ऑडिट है, तो मॉड्यूल सेकेंड के भी तीनों सब्जेक्ट आपके एग्जैक्टली अब हो जाएंगे फेस टू फेस। इसमें सीआर मैं पढ़ाऊंगा, और सीआर ऐसे भी मैं पढ़ाता ही रहा हूं इस 2 साल में भी। बहुत सारे बच्चों ने हमसे ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में मैंने सीआर ड्राफ्टिंग ये सब पढ़ाया है, आरसीडीएनसीआर मैंने पढ़ाया है ना। फिर मॉड्यूल 3 के अंदर एक कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग है, इसकी क्लासेस भी आपको अभी अभी ऑनलाइन रहेगी, लेकिन आने वाले समय में ये भी फेस टू फेस हो जाएगा, है ना। उसके बाद के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब आप जानते हैं, वो सब के सब ओपन बुक एग्जाम वाले हैं, और वो उसमें इलेक्टिव्स हैं, तो वो वाले क्लासेस तो अभी आपको नहीं मिल पाएंगी। इसका मतलब सब मिला के कितने सब्जेक्ट हो गए, 3 3 6 1 7, तो 9 पेपर में हम आपको 7 पेपर अब फेस टू फेस देने वाले हैं। 7 पेपर आपको क्या देने वाले हैं, फेस टू फेस। तो अब आपको मैं बता दूं, 31 दिसंबर नहीं, 31 अगस्त से एग्जैक्टली अब हम फेस टू फेस स्टार्ट करने वाले हैं। पहली क्लास मेरी ही होगी, है ना। तो फेस टू फेस हम कब से स्टार्ट करेंगे, 31 अगस्त से स्टार्ट करेंगे, फेस टू फेस फॉर सीएस प्रोफेशनल, ठीक है। तो आज रात 8 बजे का, ये बड़ा हैप्पी हैप्पी न्यूज है ना। तो अगेन आई एम रिमाइंडिंग दैट आई सी एस नितेश कुमार जायसवाल इज कमिंग फेस टू फेस इन सी एस प्रोफेशनल। अब सी एस प्रोफेशनल में मैं फेस टू फेस पढ़ाऊंगा, सीआर पढ़ाऊंगा, ड्राफ्टिंग पढ़ाऊंगा, और भी सब्जेक्ट सारे के सारे फेस टू फेस चलने वाले हैं। अगेन 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 दिस इज द बिगेस्ट न्यूज एंड हैप्पी हैप्पी न्यूज दैट वी एट द रेट सी एस एनके जे क्लासेस आर कमिंग फेस टू फेस फॉर सी एस प्रोफेशनल ऑल्सो, है ना। बाकी और भी जो टीचर्स हैं, जैसे एडवांस टैक्स के जो टीचर हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट की जो टीचर हैं, आरसीडीएनसीआर की जो टीचर्स हैं, उन सब वो सारे के सारे टीचर्स भी अब आने वाले हैं फेस टू फेस। तो 9 में से 7 पेपर जो मेन 7 पेपर्स हैं उनकी क्लासेस आपको अब फेस टू फेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। सीएफएल अभी शुरुआत में हो सकता है कुछ दिन ऑनलाइन रहे, लेकिन वो भी फेस टू फेस हो जाएगा। तो 6 पेपर, मॉड्यूल 1 के 3 पेपर, मॉड्यूल 2 के 3 पेपर, ये तो पूरा आपको क्या मिलने वाला है, फेस टू फेस। 31 अगस्त से हम स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो चलिए, अगेन आई एम रिमाइंडिंग दैट आई सी एस नितेश कुमार जायसवाल अलॉन्ग विथ माई एनकेजे टीम आर कमिंग फेस टू फेस फॉर सी एस प्रोफेशनल। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आप सबके सब जल्दी से एग्जीक्यूटिव को पार करिए, एग्जीक्यूटिव को पास कीजिए, प्रोफेशनल में आइए। वी आर वेटिंग फॉर यू ऑल इन फेस टू फेस क्लासेस ऑफ सीएस प्रोफेशनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, आई एम सी एस श्वेता एंड आई एम गोइंग टू टेक योर फेस टू फेस सी एस प्रोफेशनल मॉड्यूल 2 पेपर नंबर 4, सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। Students, secretarial audit is very important subject for a CS professional, and after CS professional you are going to join your training and ultimately you will get your membership number and become a company secretary. So secretarial audit is a very practical subject which is going to give you a perspective about how the audit is done, what are the techniques, methods, review that is required for a practicing CS while conducting secretarial audit, right? And now the methodology for us, for you, when we teach you is that we are going to complete the notes, we are going to complete every topic in study module, and we'll also try taking the test. So when you'll be coming face to face for this subject, you will be in coordination with the subject, and you will be definitely giving the test. We'll be conducting tests so that there is no scope of you फेलिंग इन द एग्जाम, राइट। अब सबसे पहली चीज है कि हमारी तरफ से सारी चीजें होंगी, स्टडी मटेरियल कवर होगा, टेस्ट कवर होगा। सो अब उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आप क्लास में प्रेजेंट रहें, फेस टू फेस रहें, आप अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना रखें, टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन रखें एंड अपने टेस्ट टाइम पे दें, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको कोई भी किसी भी तरीके से कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मॉड्यूल 2 का पेपर नंबर 4 इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू टू क्लियर इन 1 अटेम्प्ट, राइट। अब 1 अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब एश्योरेंस मैं आपको अपनी तरफ से दे सकती हूँ कि आई एम गोइंग टू टेक एवरी टॉपिक, नॉट जस्ट द नोट्स बट द स्टडी मॉड्यूल।
जो स्टडी मॉड्यूल से सबसे पहली चीज़ है जो बच्चे भागते हैं, और स्पेशली प्रोफेशनल लेवल पे तो हमें हर एक चीज़ की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, सो डैट हमारा कुछ भी स्कोप ना रहे कि हम छूट जाएं। ये लास्ट स्टेप आपका सीएस बनने का, लास्ट स्टेज आपका सीएस बनने का। सो इन दिस जर्नी ऑफ यू बिकमिंग अ कंपनी सेक्रेटरी आई एम विद यू इन मॉड्यूल 2 पेपर नंबर 4। अनदर पेपर विच आई एम गोइंग टू टेक इज योर मॉड्यूल 2 पेपर नंबर 6, दैट इज RCDNCR, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंस एंड रेमेडीज। ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। आप देखेंगे प्रोफेशनल में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स काफ़ी आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं, क्योंकि अब इस स्टेज के बाद आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है, राइट? सो RCDNCR अगेन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मॉड्यूल 2 में आपका पेपर नंबर 4 एंड पेपर नंबर 6 इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक, एंड आई एश्योर यू डैट यू विल डेफिनेटली यू देर आर हायर चांसेस डैट यू विल क्लियर योर एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। रेस्ट आई नीड एश्योरेंस फ्रॉम यू डैट यू विल ऑल्सो सपोर्ट मी। यू आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट मी फ्रॉम माई सेल्फ, यू गोना सपोर्ट योर सेल्फ इन द एग्जाम। मेरे पढ़ाने के मेथोडोलॉजी में प्लस मेरे एफर्ट्स में व्हेन यू आर गोइंग टू सपोर्ट देन टुगेदर वी आर गोइंग टू क्लियर आवर एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अब वैसे भी आपका फर्स्ट स्टेज एग्जीक्यूटिव, सेकंड स्टेज एग्जीक्यूटिव और थर्ड स्टेज फाइनल में आते आते अब आप वैसे भी ये नहीं चाहेंगे कि आप दोबारा आप सेकेंड अटेम्प्ट में जाएं। हर स्टूडेंट का सबसे पहला मोटिव होता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में बस अब क्लियर करें एंड we get into the training and become CS as soon as possible. I can understand. I myself as a company secretary, I can very much understand this, right? And इस objective में I am definitely with you. So all you need is जो मुझसे पहले पढ़े हुए हैं उनको भी पता है that I don't leave any scope from the book, right? मेरी तरफ से आपको पूरा 100% effort मिलेगा आपको पढ़ाने में। उसके बाद मुझे आपकी तरफ से effort चाहिए so that हम अपने objective को achieve कर सके, right students? So see you face to face in CS professional in module 2 paper number 4, secretarial audit, compliance management and due diligence, and module 2 paper number 6, resolution of corporate disputes, non-compliance and remedies, RCDNCR. Right students, so I will be seeing you in the class Tuesday, Thursday, Saturday. Timings will be given to you by the management. I hope I see you in the session. Together we will clear our exam in first attempt, students. Right? Nothing better than face to face. So see you. Thank you. So आज हम सब आपके सामने आए हैं, and specifically मैं आपके सामने कुछ बड़े announcement करने आया हूँ. And it's about CS professional classes, CS professional level. See, अब हमारी जो classes हैं आने वाले time के लिए उसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ. And उससे पहले मैं कुछ अपने बारे में आपको बता दूँ, then फिर हम आगे आपके बारे में आपसे बात करेंगे. और फिर एक जो बड़ी अनाउंसमेंट शेयर की जानी है दैट आई विल डू. गाइज, अबाउट मी, आई एम CS हितेश डेरा एंड प्रैक्टिसिंग एडवाइजर कंसल्टेंट. मेरी अपनी फर्म है हितेश डेरा एसोसिएट्स. आई एम प्रैक्टिसिंग in taxation and company law matters from past many years, and main forte about me is taxation. I am handling tax audit, GST audit and even income tax assessment. That is my main forte from past many years. Currently mere paas bahut sari universities bhi hain jinko main handle kar raha hu, companies bhi hain aur acche level ki companies bhi hain. I can't name them kyunki wo hamare code of conduct ke khilaf hota hai, right? So I will be taking your taxation subject, advanced tax laws, module 1 CS professional. And over here my main motive would be, जो मेरा ये practical exposure है वो सब मैं आपके साथ इस पूरे batch में cover up कर सकूँ. Am I right? So ये हमारा main रहेगा. CS professional जो आप लोगों का है module 1, वो हम तीन teachers आपके साथ लेने वाले हैं. मैं advanced tax laws लूँगा, CS नितेश कुमार जायसवाल सर आपके साथ subject 1 लेंगे, और तन्वी मैम आपके साथ ethics का subject लेंगी, राइट? सी एस तन्वी मैम है, वो आपके साथ एथिक्स सब्जेक्ट लेंगी. एम आई राइट सर? अब एक चीज और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जो हमारा मेन अनाउंसमेंट होने वाला है, कि अब हम सब लोग हमारे इंस्टीट्यूट में, अब जो हमारा प्रोफेशनल का बैच है, वी आर कमिंग लाइव विद आर CS प्रोफेशनल बैचेस. अब जो हमारा CS प्रोफेशनल का बैच होगा, इट विल बी एन कंप्लीटली एंटायरली
एंड फेस टू फेस बैच, अ लाइव बैच, तो वो आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट साबित होगा टू क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन. नितेश सर, मैं और तन्वी मैम आपका मॉड्यूल वन की गारंटी लेते हैं कि आपका सिलेबस प्रॉपरली और बहुत अच्छे टाइम से कंप्लीट होगा. वो हमारी जिम्मेदारी में रहेगा आपके लिए. तो यही चीज़ आपके साथ है कि आप लोग अब फेस टू फेस क्लासेस लेके अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करें. एंड वन मोर थिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जो अभी अभी क्वालिफाई करके आने वाले हैं या आ चुके हैं, और जो बच्चे अगर रीअपेयरिंग है, डोंट वरी, कुछ ग्लिचेज या कुछ गलतियां हमारी पहले रही होंगी, फॉर श्योर नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसमें परेशानी नहीं आएगी. सो टिल देन, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, अच्छे से पढ़ते रहिए, एंड लेट्स कीप वेटिंग फॉर आर CS प्रोफेशनल फेस टू फेस लाइव बैच.